हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सभी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रैंडम ऑर्बिट सेंडर मशीन, यानी कि रेगमाल लगाने वाली मशीन। जैसे हम डोर फ्रेम पर लगाते हैं या चौकट वगैरह पर लगाते हैं या डोर पर लोपर लगाते हैं, किसी भी यानी कि फर्नीचर वर्क में हम लगाते हैं, उससे हम जैसा अन्य मशीन से लगाते हैं उसमें धूल उड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और हालत भी बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका कोड नंबर बताऊँगा। दोस्तों, ये मेरे पास बोस कंपनी की मशीन है, प्रोफेशनल रैंडम ऑर्बिट सेंडर मशीन। इसका जो कोड नंबर हैगा GEX125, ये इसका कोड नंबर है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोस को खोलते हैं या कार्टून को, और उसके बाद हम सामान लगाकर देखते हैं। और बॉक्स हो गया खाली, इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले हमें अपना बिल मिलता है, यानी कि वारंटी कार्ड, इसमें हमारा पूरा बिल बना हुआ है। इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हमें एक मैनुअल और मिलता है, जिसमें यहाँ पर पूरी विधि दिखाई गई है, समझाई गई है किस प्रकार यानी को आपको चलाना है और किस तरीके से इसमें लगता है। इसमें सभी प्रकार आपको दिखाई गए, मैं आपको वीडियो बताऊँगा किस प्रकार इसकी सेटिंग करते हैं। और इसको रखते हैं साइड में। हमें यहाँ पर एक सर्विस सेंटर यानी कि बुक मिलती है, इसमें हमारे ऑल इंडिया में आप कहीं भी इसकी सर्विस करा सकते हैं। और इस मशीन की जो सर्विस का जो टाइम दिया है वो 6 महीने की वारंटी दी गई है। और इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमें एक रेगमाल यानी कि पत्ता मिलता है 80 नंबर का, इसको भी रखते हैं साइड में। और सबसे पहले हम अपनी मशीन की यानी कि वायर की बात कर लेते हैं, कितनी लंबी वायर है हमारी। ये आपकी 2 मीटर की यानी कि वायर है और कॉपर वायर है। इसमें यहाँ पर 2 पिन दिया गया है इस प्रकार, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम इसके वेट की बात करें, 1 किलो 300 ग्राम इसका वेट हैगा। और ऊपर की साइड में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रबड़ दी गई है। सामने की साइड में यहाँ पर इसमें रेड कलर का यानी कि बटन दिया गया है, इससे आप इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इसमें यहाँ पर ये ऑन ऑफ करने का बटन है, यानी कि यहाँ पर इसमें 0 और 1 का हिसाब दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर ये ऑन हो जाता है और इस तरह से ऑफ हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसको रेडी करना होता है। और मेन बात, यहाँ पर इसमें एक रेगुलेटर भी दिया गया है, जिससे कि आप 1 से लेकर इसको आप 6 तक के इसकी यानी कि स्पीड बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे थे राउंड के बारे में, ये 1 मिनट में 7500 राउंड से लेकर 12000 तक ये चक्कर लगा सकती है, यानी कि फुल स्पीड पर। और इस तरह से यहाँ पर इसमें बोस कंपनी अपनी मार्किंग दी गई है, प्रोफेशनल GEX125। इस तरह से यहाँ पर इसका ये कोड नंबर दिया गया है मशीन का। और यहाँ पर जो इस तरह से इसके नीचे की सेट दी गई है, यहाँ पर पत्ता लगाना था इस प्रकार, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये जो होल दिए गए हैं ये बिल्कुल आपके इस तरह से रेडी आने चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें ये जो आपकी मशीन हैगी, इसमें जो यानी कि डस्ट होती है वो चारों तरफ नहीं फैलती, और ये इसमें कनेक्टर में यानी कि इकट्ठी हो जाती है। ये भी मैं आपको खोल कर दिखाऊँगा। इस तरह से आप थोड़ा सा घुमाना होगा इस प्रकार, और यहाँ पर घुमा कर आप इसे निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये जो ऊपर ढक्कन देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें डस्ट जाएगी और इस तरह से यहाँ पर ये ढक्कन खुलेगा। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर खाली कर दिखा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम फिर दोबारा से लगा देंगे, ये लग गया। और इस तरह से यहाँ पर इसको वापसी ले जाते हैं, ये हमारा रेडी हो गया लगकर। इस तरह से ये लगाना होता है। और यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा वोल्टेज और वाट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 230 यानी कि वोल्टेज में है और 250 वाट की है। और हम कलर के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है ब्लैक और ब्लू कलर में, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको ये अगर पत्ता भी उतार कर दिखाता हूँ, अगर आपकी यानी कि ये डिश है अगर ये ख़राब भी हो जाती है इसे, तो आप दूसरी बदल भी सकते हैं। इसमें यहाँ पर 4 स्क्रू दिए गए हैं। अब मैं आपको इस मशीन से यानी कि थोड़ा सा आपको कुछ वर्क करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार चलती है और चलने में इसका क्या रिजल्ट है। ये हमारे पास वाल स्लेफ है यानी कि 6 पहल का। हम इसकी एक बार यानी कि फिनिशिंग करेंगे बैक साइड से भी और ऊपर नीचे की साइड से भी। सबसे पहले हम अपनी मशीन की स्पीड देख लेते हैं।
हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसकी स्पीड कमती बत्ती कर सकते हैं, इसका बहुत ही मेन फ़ायदा है। और हम अब शुरू करते हैं। हमारे स्लेब की ऊपर की साइड नीचे की साइड से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो गई और फ्रंट साइड से बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग हो गई, जो कि हमने बैक साइड में यहाँ पर टेप लगा रखी है पहले से। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दूसरी साइड इसमें रेगमाल लगा कर दिखाया। सबसे मेन बात ये रही कि इसमें यहाँ पर डस्ट नहीं उड़ी है, सबसे बड़ा मेन फ़ायदा मुझे नज़र आया। एक बार हम अपने यानी कि कनेक्टर को खोल कर देख लेते हैं उसमें कितना डस्ट निकली है। देख लो दोस्तों यहाँ पर कितनी सारी डस्ट निकली है और हमारे कनेक्टर में इकट्ठी हो गई। ये हमारे पास MDF का यानी कि स्लेब हैगा, वाल स्लेब, और इस तरह से यहाँ पर इसमें हमने जो फिनिशिंग करी ये बुरदा निकला। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर वापस लगा देते हैं, ये लग गया। ये हमारे पास पाइन वुड के निकल गड्ढे का फंटा है, इस पर हम एक बार इसकी फिनिशिंग करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आ गई है। ये मैंने आपको यानी कि पाइन वुड पर यानी कि फंटे पर आपको रेगमाल लगा कर दिखाया। इस मशीन से मैंने आपको पूरा पूरा वर्क करके दिखाया और उसमें आपको पूरी पूरी जानकारी दी। इसके अगर हम यानी कि रेट की बात करें जो कि हमें अमेजोन से पड़ी है वो 5900 रुपये की पड़ी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर दे सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देना आपका बहुत बहुत शुक्रिया।